आज भगत सिंह रक्तवीर के अध्यक्ष दिलीप कौशिक ने अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 24वीं बार जनहित समाज सेवा हेतु निस्वार्थ रूप से रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान एवं देहदान किया एवं जिला अस्पताल सिविल सर्जन आर के श्रीमाली के समक्ष देहदान एवं नेत्रदान हेतु घोषणा पत्र दिया गया। इस अच्छे कार्य को देखते हुए आर के श्रीमाली जी ने उन्होंने इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संस्था के सदस्यों जिसमें दिलीप कौशिक, राजा ठाकुर, ताराचंद कोठारी, रोशन शारवा, रविंद्र नेताम, मनीष चंद्राकर इत्यादि लोगों ने इस नेक कार्य की प्रशंसा की। दिलीप कौशिक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका ये 34वां रक्तदान है जी। तो आपकी संस्था जो है वीर भगत सिंह रक्तदान संस्था है। आपने मैं संस्था अध्यक्ष हूँ। अच्छा, संस्था प्रमुख हूँ मैं। आज मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज मेरा 34वां रक्तदान होगा एवं नेत्रदान देहदान का घोषणा। और हमारी संस्था विगत 12-13 वर्षों से निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ तक कि लोकल बालोद के अलावा हम बाहर भी जाते हैं, दल्ली राजरा धमतरी दुर्ग भिलाई, जहाँ से हमारे पास केस आ जाता है हम वहाँ निस्वार्थ भाव से रक्तदान के लिए चले जाते हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति की अगर जान बचती है हमारे द्वारा तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ऐसे मन में क्या आया कि आपको एक समाज सेवा के रूप में कार्य करने को आप जो इच्छुक हो गए, क्योंकि हर बार लोग अपने जन्मदिवस के अवसर पर पार्टी मनाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन आज आप रक्तदान कर रहे हैं और साथ में मैंने सुना है कि आज आप नेत्रदान की घोषणा, देहदान की भी घोषणा आपने आज की है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? क्या है, अगर मैं संस्था प्रमुख हूँ, मेरे नेत्रदान देहदान की घोषणा करने से अगर दो चार लोग उत्साहित होकर भी अपना नेत्रदान देहदान करते हैं तो इससे भविष्य में समाज को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। इसलिए आज मैंने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान एवं नेत्रदान देहदान की घोषणा किया। बालोद से दीपक देवांगन की रिपोर्ट। सीखते रहिए सी डिविजन टीवी।